स्वागत है आपका नीरू की किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ये रेसिपी। ये झटपट और बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर बच्चों का मन हो चाउमीन खाने का तो आप इस नए स्टाइल से बनाएं। इस चाउमीन को आपको बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ा बाउल सेवैयाँ लेंगे, जिसमें हम मीठी सेवैयाँ भी बनाते हैं और नमकीन भी। ये वही वाली सेवैयाँ हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ रोस्टर जवे भी कहते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी कटोरी मटर। ये मैं फ्रोज़न मटर ले रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम कटा हुआ अदरक लेंगे। ये दो हरी कटी हुई मिर्च हैं, जिसे मैंने लंबा लंबा साइज़ में इसे काट लिया है। ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर है कटा हुआ, इसे मैंने भी लंबे लंबे साइज़ में काट के रख लिया है। इसके सीड्स निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ ले रही हूँ। ये है कड़ी पत्ता, 10-12 कड़ी पत्ता लेंगे। आप देख सकते हैं कटी हुई गाजर लेंगे। आप अपनी मनपसंद के आकार की सब्जियाँ काट सकते हैं। कटी हुई शिमला मिर्च लेंगे। ये कटा हुआ प्याज लेंगे एक मीडियम साइज़ का, इसे भी मैंने चौकोर साइज़ में काट के रख लिया है। अब कढ़ाई हमारी गर्म है। अब हम एक टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून जीरा डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालेंगे, 2 हरी कटी हुई मिर्च डालेंगे। सभी को हम अच्छे से चलाएंगे। सभी को हल्का हल्का भून लेना है। अब हम यहाँ पे कटी हुई शिमला मिर्च लेंगे, कटी हुई गाजर डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ी सी मटर डालेंगे, ऊपर से हम कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। इससे हमारे चाउमीन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और सभी को हम अच्छे से भून लेंगे। याद रहे हमें सब्जियां ज़्यादा नहीं पकानी है। अब यहाँ पे कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि टमाटर जल्दी से गल जाता है, इसलिए आप टमाटर बाद में ही डालें। अब हम सभी को हल्का हल्का भून लेंगे। अब यहाँ पे हम सेवैयाँ यानी कि रोस्टेड जवे डालेंगे। मैंने इन्हें रोस्ट नहीं किया है, ये ऑलरेडी ही मैं रोस्टेड जवे लेके आई हूँ, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे। और सभी को हम अच्छे से चलाएंगे। याद रहे हमें सब्जियां ज़्यादा भी नहीं पकानी है। और ये सेवैयाँ बहुत ही जल्दी पक जाती हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल चाउमीन जैसी लग रही हैं। अब यहाँ पर 1/2 गिलास यानी कि 1/2 गिलास पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है, नहीं तो सेवैयाँ हमारी एकदम इकट्ठी हो जाएंगी और बिल्कुल भी खिली खिली नहीं बनेंगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। अब हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक्कन से कवर कर देंगे और सिर्फ 2 मिनट ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसे चेक करके देखेंगे। आप देख सकते हैं कितनी मस्त बनी है हमारी सेवैयाँ वाली चाउमीन। और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये चाउमीन नहीं है, सेवैयाँ हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं दोस्तों, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे। इससे हमारे चाउमीन यानी कि सेवैयाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। सभी को हम अच्छे से डालेंगे। पाव भाजी मसाला आप ऊपर से ही डालें। अब ऊपर से हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ये सेवैयाँ चाउमीन स्टाइल वाली बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये वाली चाउमीन स्टाइल हमारी ये सेवैयाँ सभी को बहुत अच्छी लगेंगी। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप देख सकते हैं कितनी मस्त हमारी प्लेटिंग लग रही है।
आप सुबह आसानी से इसे नाश्ते में या ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।